ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि राव सिंह टाटा कृषि विशेषज्ञ के रूप में आप लोगों के मध्य। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज संपूर्ण विश्व एक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस COVID-19 से ग्रस्त है, जिसमें विभिन्न प्रकार के संस्थान, चाहे निजी संस्थान हो, चाहे सरकारी संस्थान हो, व्यवसायी हो, औद्योगिक हो, तो पूर्ण रूप से बाधित है। तो इसी प्रारूप में जो बच्चों की जो क्लासें बाधा जो उत्पन्न हो रही है, उस बाधा को दूर करने के लिए आज हम सभी समस्त जो शिक्षक मित्र हैं, जो ऑनलाइन कक्षा का संचालन हम रूप से कर रहे हैं, तो इसी मन से आज हम गुरु विद्या के मंच में एक साथ ना आकर विधि रूप से एक एक अपनी क्लास शुरू हम करें। इसी के साथ आज हम जो प्रथम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो है कृषि विज्ञान, जो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, भारत की जो जनसंख्या है, भारत की 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। भारत में कृषि ही एकमात्र ऐसा संसाधन है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी बनेगी, जिसके आधार पर ही हमारा मानव जीवन पूर्ण रूप नहीं तो 70% मानव पूर्ण हमारा टिका हुआ, क्योंकि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रमुख एक उत्पाद एक संसाधन है वो है कृषि। इसी के अध्ययन के दौरान हम पढ़ेंगे कि कृषि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कृषि की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे नए नए खोज किए गए, नए नए आविष्कार कैसे हुए, आवश्यकता के अनुसार कैसे कैसे आविष्कार होते चले, तो इन चीज़ को हम शुरुआत रूप में हम देखेंगे। तो देखिए, आज से 35,000 ईसा पूर्व जब आदि मानव का जन्म हमें बताया गया, यानी कि एक अध्ययन के दौरान हमें बताया गया कि जो जावा मैन जिसको बोलते हैं, आदि मानव जो बोलते हैं, होमो सेपियंस की जो उसको संज्ञा दी गई है, एक बोटनिकल नेम उसको दिया गया है, तो उसकी जन्म जो बताया गया है आज से 35,000 वर्ष पूर्व बताया गया। तो आदि मानव का जन्म हुआ तो उसी दौरान क्या हुआ कि धीरे धीरे जब आदि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब नई नई खोजें करने लगा, तो उसी दौरान उसमें कुछ तथ्य कृषि के रूप में भी पाए गए, मतलब उनको खाने और पीने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ी तो आविष्कार करना पड़ा, खोज में आविष्कार होते चले गए, और उसी दौरान 7500 ईसा पूर्व में कृषि की खेती की जाने लगी, यानी कृषि के नए आयाम स्थापित करने किए जाने लगे, नई नई चीज़ें हैं जो आने लगी। उसी के दौरान जो भारतीय कृषि का इतिहास है, भारतीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम 6 कॉलेजें खोली गई, उन 6 कॉलेजों के दौरान भारत की जो 6 कॉलेजें थी वो 1901 से लेकर 1905 के मध्य वो 6 कॉलेजें खोली गई। 6 कॉलेजें निम्न प्रकार थी, जिसमें प्रथम कॉलेज था पूना, द्वितीय कानपुर, तृतीय सापुर, चतुर्थ नागपुर, पांचवा कोयम्बटूर और छठा था लायलपुर। इन सब के बारे में आपको विस्तृत रूप से मैं बता देता हूँ कि भारत की जो स्थिति है 1901 से 1905 के मध्य थी, ये स्वतंत्रता से पहले की थी, और उस दौरान क्या था कि लायलपुर की जो कृषि यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, वो वर्तमान में स्वतंत्रता पहले से भारत में स्थित था। लेकिन जो ही भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था आज़ादी के बाद, भारत की जब आज़ादी हुई तो उसी दौरान लायलपुर जो यूनिवर्सिटी है वो पाकिस्तान में स्थापित हो गई, यानी कहने का मतलब यह कि वर्तमान में जो लायलपुर जो यूनिवर्सिटी है वो पाकिस्तान में स्थापित है। उसी के दौरान 1905 में भारतीय कृषि की प्रतिबद्धता बढ़ने के कारण नए आयाम स्थापित करने के लिए, एक आधुनिक खेती का परिणाम देने के लिए, किसानों की उपज उत्पादकता बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम 1905 में एक संस्थान की स्थापना की, और उस संस्थान का नाम जो नाम दिया गया वो संस्थान का नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अगर हिंदी में इसको अपन बोला जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान, मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट भी कर देता हूँ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान।
ये जो संस्थान है जो सर्वप्रथम 1905 में बिहार में स्थापित किया गया था, ये संस्थान जो बिहार में स्थापित किया गया था गंडक नदी के किनारे स्थापित किया गया था, लेकिन जैसे जैसे इस संस्थान की जो प्रतिबद्धता लोगों के प्रति बढ़ रही थी, लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि 1934 में एक भूकंप जो बिहार में आ जाता है, जिसके कारण पूर्ण रूप से ये जो 1905 में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद था वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, पूर्ण रूप से संस्थान नष्ट हो जाता है। और इस संस्थान के नष्ट होने के बाद में जब भारत में जब अंग्रेजों का दबदबा था उसी दौरान जो लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने इस संस्थान को बढ़ावा देने के लिए कुछ सहायता प्रदान की, और सहायता प्रदान करने के दौरान इस संस्थान को 1936 में नई दिल्ली पूसा रोड पर स्थापित कर दिया गया। नई दिल्ली पूसा रोड पर इसको स्थापित कर दिया गया। उसी दौरान शुरुआत में जब इसका नाम रखा गया तो इसका नाम इंपीरियल रखा गया था। जो इंपीरियल जो नाम दिया गया था ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम था, लेकिन उसी दौरान तत्कालीन 1946 में इसकी अध्यक्षता में एक भारतीय जोगिंदर सिंह के आने के दौरान इस संस्था को इंपीरियल से इंडियन में बदल दिया गया, और जब इसे इस संस्थान को इंडियन के नाम से यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जाने लगा। एक बार फिर से मैं सभी छात्रों स्टूडेंटों को बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार कि फंडामेंटल जो एग्रीकल्चर है वो मुख्य रूप से भारतीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मुख्य जो सिद्धांतिक रूप होते हैं उनको अपनाने के लिए प्रतिबद्ध करता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जैसे आदि मानव का जन्म, कृषि खेती की जाए कौन से इस वर्ष की जाती है, कृषि का इतिहास क्या कह रहा है, और कौन से संस्थान कब खोले गए, कब कब यहाँ पे इनको खोला गया। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं जो अपने जेट ICR इनमें भी जो काफ़ी पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि मतलब सर्वप्रथम है जो इस संस्थान को कहाँ पे स्थापित किया गया, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इस संस्थान को एक शॉर्ट फॉर्म में अपूर्ण IARI के नाम से भी जाना जाता है, इस संस्थान को IARI के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में जैसे क्वेश्चन वगैरह में इसमें पूछ लिया जाता है कि IAR संस्थान कहाँ पे स्थापित है, या IAR का पूरा नाम आप बताइए, या फिर मुख्य रूप से पूछ लिया जाता है कि भाई इंपीरियल को इंडियन में किसकी अध्यक्षता में बदला गया, तो वो अध्यक्षता जो थी उस वक्त जो इसके अध्यक्ष थे तत्कालीन अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह थे 1946 मार्च में इन्होंने जिसका नाम का बदलाव किया वो इंपीरियल से इसको इंडियन के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया। तो इसी प्रकार जो ये है फंडामेंटल एग्रीकल्चर है, जैसे कि विधिक रूप से अभी हमने पढ़ा था कि 1946 में जो जोगेंद्र सिंह की अध्यक्षता थी उसी दौरान उसने इंपीरियल को इंडियन में कन्वर्ट कर दिया, तो उसी के दौरान वो इंपीरियल से इंडियन हो गया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना गया। उसी के दौरान जब 1960 में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, और उस विश्वविद्यालय को जिस नाम से जाना गया था वो नाम था गोविंद वल्लभ पंत कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से जाने लगा। उस दौरान जो ये विश्वविद्यालय था उस दौरान ये विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित था, स्टार्टिंग में जब ये शुरुआत में था तो यूपी में स्थापित था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का जब विभाजन हुआ तो उसी दौरान ये विश्वविद्यालय जो है वो उत्तराखंड में स्थापित हो गया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए ऐसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है, तो उस दौरान जो विश्वविद्यालय स्थापित था वो था उत्तराखंड में। या फिर क्वेश्चन अपन से ये पूछा जाए कि भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था वो सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया, तो उसी दौरान जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। लेकिन इसी दौरान ये जो विश्वविद्यालय है इसके चांस बहुत कम है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत कम पुटअप करेगा, नहीं पूछेगा, जहाँ तक ये अब तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो उसी दौरान जो गोविंद वल्लभ पंत जो कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय है जो वर्तमान में उत्तराखंड में स्थापित है, जो उत्तर प्रदेश के विभाजन होने के मध्य यह विश्वविद्यालय उत्तराखंड में स्थापित हो गया। गोविंद वल्लभ पंत कृषि तकनीकी जो विश्वविद्यालय है ये उस वक्त तत्कालीन जो CM थे, मुख्यमंत्री थे वहाँ के, गोविंद वल्लभ भाई उनके नाम से इस कृषि का नामकरण किया गया
था। इसलिए अगर क्वेश्चन वगैरह किसी प्रकार का अगर पुटअप होता है तो यही होगा कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, 1960 में स्थापित हुआ, कहाँ पे स्थापित हुआ, उत्तराखंड में स्थापित हुआ। ठीक है, इसी के दौरान भारत के बढ़ते दौर के अनुसार जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, यह संस्कृत के कृष धातु से मिलकर बना, यानी कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर भाषा अलग है लेकिन जो शब्द से धातु से जो मिलकर बना हुआ है वो कृषि, जो संस्कृत के कृष धातु से मिलकर बना है उसको हम क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। जबकि एग्रीकल्चर है जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, कृषि जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का दो प्रकार से विभेदन करने पर, संधि विच्छेद करने पर एग्री और कल्चर में डिवाइडेशन हो जाता है, यानी विभाजित हो जाता है। तो इन दोनों का जो अर्थ होता है, एग्री का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है कृषि। एग्री का अर्थ होगा मृदा और कल्चर का होगा कृषि, यानी मृदा में खेती करना। तो इसी प्रकार जैसे कि इसकी परिभाषा हो जाएगी, मनुष्य जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला व विज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के जीवन निर्वाह यानी कि खाने के लिए, आर्थिक निर्वाह यानी कि कृषि से जो उत्पाद हुआ है उससे जो पैसा जो प्राप्त होगा वो उसके निर्वाह के लिए पूर्ण रूप से हो सकता है वो पैदा फसल उत्पादन से करे चाहे पशुपालन से करे। इसलिए कृषि को एक कला भी कहा गया है और एक विज्ञान भी कहा गया है। एक समाहित रूप से एग्रीकल्चर को कृषि का रूप देते हुए कला और विज्ञान दोनों का माना गया और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर कहते हैं। इसी दौरान मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर जो है कृषि है, या कृषि के मतलब संस्कृत के कृष धातु से मिलकर बना हुआ। इसके बाद में जो एग्रीकल्चर है जो ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और दो शब्द जो है वो एग्रीकल्चर इसका संधि विच्छेद करने पर दो अलग अलग भागों में विभाजन हो जाता है, एग्री और कल्चर, मृदा यानी कृषि, यानी मृदा में कृषि करना, एक प्रकार से मृदा इसको कंबाइन कर देंगे पूर्ण मृदा में कृषि करना। और इसी आधार पर इसकी परिभाषा हो जाएगी, मनुष्य के जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला व विज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, फसल उत्पादन, पशुपालन की जो खेती की जाती है उसको अपन कृषि विज्ञान कहते हैं। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं।